ये जो रोड जा रही है इसके ऊपर बहुत बड़ी आबादी है, पीछे बहुत बड़े गांव हैं, सैकड़ों घराने हैं जो इस रोड से ही जिनका गुजर है। तो अब जब इसके ऊपर बारिश होती है तो इसके ऊपर बच्चों का, बूढ़ों का, ख़वातीन का चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्लिप बहुत ज़्यादा हो जाता है, गाड़ियों का गुजर बहुत मुश्किल से होता है, मोटरसाइकिल का जो है ना एक्सीडेंट होता है, ख़वातीन गिरती हैं, बच्चे गिरते हैं। बारिश होती है रोड बहुत ख़राब हो जाता है, तो इस वजह से बहुत मसाइल होते हैं बच्चों को काले जाते जाते, और बहुत मसले होते हैं। मरीज़ आए उसको उठा के ही लाते हैं, गाड़ियाँ तो आती नहीं है इधर, बारिश में तो बहुत मसाइल होते हैं। बहुत परेशानी होती है, गड्डी इधर आ रही नहीं रही है तो किस तरह खड़सन है, परेशानी बहुत ज़्यादा। अरसा तकरीबन 20 साल असों को भी इधर हो गए, बहुत परेशानी है। और 30-35 साल असं तो पहला दिल के इधर बस्ती है, जब वोट किंदे नाते ना असं रास कर सन, सड़क बड़ैसा, पानिया बंदोबस्त कर सन, मगर वैसे छाली कर दे ना तो नहीं होया कुछ भी। यहाँ पे कम अज कम 500 घर है, CMH यहाँ सामने है, मेन रोड सदर थाना और हमारा रोड शहर के बीच में रहने के बावजूद हमारा रोड बिल्कुल नहीं है। हम लोग सामान जो है दुकानों के लिए वो उठा के लाते हैं, और आगे जब हम फराम करते हैं वो सौदा बेचते हैं जो, तो वो हमें रुपए का 2 रुपए में पड़ जाता है। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो लोग हम लोगों से बहुत तंग आए हुए हैं। हम लोग ज़ाहिर है मजदूरी पे उठा के लाते हैं, 50-100 रुपये उनको देते हैं, तो आगे फिर हमारा सौदा जो है वो ज़ाहिर है महंगा हो जाता है। तो यहाँ के लोग हैं जो वो बहुत तंग आए हुए हैं, तो इसलिए रोड की बहुत बुरी हालत है। मतलब सुजुकी नहीं आती है, रक्षा नहीं आता है, 5 मन सामान के लिए भी हमें जीप 4x4 करनी पड़ती है, और जीप वाला हमारे से वो 1500-2000 रुपये वो ले लेता है। तो इसी वजह से जो है सौदा हमारा महंगा होता है। फिर ये जो ख़रीदने वाले जो खाने वाले लोग हैं, ये लोग हमें फिर कहते हैं कि भाई आप लोग हमें सौदा महंगा दे रहे हो, हम लोग क्या करें। लड़के यहाँ से बाइक लेके आते हैं स्कूल के लिए, या उन्हें यहाँ नीचे बाइक पार्क करके आना पड़ता है, इस रोड से ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस तरह की बाइक ऊपर नहीं ला सकते रोड की वजह से, रोड की सूरत हाल की वजह से, तो उन्हें नीचे खड़ा करके फिर वहाँ से ऊपर आना पड़ता है। और उसके अलावा जो रोड पे पानी की वजह से रोड ख़राब हो रही है, ना कोई गाड़ियाँ आ सकती है, ना कोई रिक्शा आ सकता है, बच्चे नीचे से ऊपर तक यहाँ तक पैदल आते हैं। कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए हमें चारपाई या फिर 4x4 गाड़ी लानी पड़ती है इस जगह पर, क्योंकि ज़ाहिर और कोई गाड़ी रिक्शा वगैरह नहीं लाते, या तो मोड़ तक उठा के लेके जाना पड़ता है, वहाँ से नीचे रिक्शे लेके जाते हैं। रोड है फिर कई मसला है, रोड गेंद है छले बारिश होती है फिर मिट्टी बेंद फिर रोड गेंद है पक्का करन का जो रोड है टिकड़ी बने दा और कचरा भी रस्ते सटे दा, बिल्कुल कोई मेजबान आ जुला, कोई इंसान आ जुला, कोई नेरे भी आ जुला, गिरने का मसला है, इतना कचरा है और रोड भी सही नहीं, कितनी बीमार इसी तरह रहन, और ज़्यादा अंताई बीमार हो, डॉक्टर असा को आखन के इतने बीमार को थो लेकिन रास्ता ख़राब है, मैं खुद ही बीमार टुर दी हैं लेकिन ठीक ना, इस रास्ते तो बीमार हैं, इस रास्ते तो बीमार हैं, नहीं वजह गड्डी कोई भी नहीं।